हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं जो है अभी जो है शंकर जी के मंदिर जा रही हूँ। भोलेनाथ का मंदिर है, झरनेश्वर मंदिर, और सावन का महीना भी चल रहा है, तो मैंने सोचा आप सबको जो है भोलेनाथ के दर्शन करवा दूँ। तो अभी जो है हम नीचे से आ रहे हैं और ऊपर तक जाना है, आप सब देख सकते हैं। और कम से कम 300 या 400 सीढ़ियां हैं, तो अभी कुछ सीढ़ियां चढ़ के आए हैं, समझ लिए 50 सीढ़ियां चढ़ के आए हैं। अभी काफ़ी सीढ़ियां हैं और ऊपर चलना है। आप सब देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत दृश्य है, तो चलिए फिर चलते हैं। मैं अभी फर्स्ट बार जा रही हूँ मंदिर भोलेनाथ के, देख सकते हो ऊपर पहाड़ भी दिख रहा है। ऊपर से मैं आप सबको दृश्य दिखाऊँगी और शंकर भगवान के दर्शन भी करेंगे भोलेनाथ के, तो चलिए भी चलते हैं ऊपर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ यहाँ से चढ़ रहे हैं, और वो आप सबको दिख रहा है मंदिर पीले कलर का, वही है भोलेनाथ जी का मंदिर। तो चलिए भी चलते हैं, दर्शन करते हैं। वैसे यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं सब ऊपर ही हैं, पहाड़ों पर ही हैं, जैसे चामुंडा माता, बजरंगगढ़ और ये भोलेनाथ का मंदिर, सब पहाड़ों पर ही है। तो फ्रेंड्स, आप जो है यहाँ से व्यूज़ देख सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स, अभी काफ़ी सीढ़ियाँ चलते हैं ऊपर, आप सब यहाँ का व्यूज़ देख सकते हैं। नीचे से आ रहे हैं और देख रहे हैं कितना सारा मकान दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा धूप है, चेहरा काला हो गया है, बाल बिखर गए हैं। धूप में कहीं जाने लायक नहीं है, लेकिन मुझे वीडियो बनाना था इसलिए आना पड़ा, और भोलेनाथ के दर्शन भी करने थे। देख लीजिए यहाँ का व्यूज और ये ऊपर पहाड़। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सब ऊपर देख रहे हैं, और अब भोलेनाथ जी का मंदिर, और इस मंदिर का नाम झरनेश्वर मंदिर है, और बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो चलिए फिर चलते हैं, भोलेनाथ जी के दर्शन करते हैं, और ये सीढ़ियाँ भी बाकी हैं, यहीं से चलते हैं। यहाँ से व्यूज़ देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं यहाँ से व्यूज़ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। मंदिर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे अरावली की पहाड़ियाँ बहुत ही शानदार लग रही हैं, और ये छोटे छोटे मकान कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और आप देख सकते हैं ये है मंदिर, अभी आगे चलते हैं फिर दिखाती हूँ आपको। और ये पहाड़ है देख सकते हो, तो यहीं से चलना है मंदिर अंदर, चलते देखते हैं। मैं भी फर्स्ट बार आई हूँ इस मंदिर में, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप सब देख सकते हैं। देखिए अंदर वीडियो बनाने देते हैं कि नहीं पता नहीं है मुझे, बनाने देंगे तो ज़रूर बनाऊँगी। चलिए फिर चलते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सब देख रहे हैं यही है वो मंदिर भोलेनाथ जी का, और लिखा हुआ है श्री झरनेश्वर महादेव श्री झरनेश्वर महादेव, यही है मंदिर। और ये मंदिर पहाड़ों पर है, आप सबको मैंने पहले ही बता दिया, आप सब देख सकते हैं पहाड़ियों पर घिरा हुआ है ये मंदिर, और बाहर से बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ का व्यूज आप सब देख सकते हैं, और बनावट कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है, और मंदिर है, मंदिर के ऊपर पहाड़ दिख रहा है, अरावली की चोटियाँ, कितना शानदार लग रहा है। तो फिर चलिए चलते हैं ऊपर मंदिर के, यहाँ से चलना है। और यहाँ से चल के आए थे अभी, यहाँ का व्यू जो देख सकते हैं, ये पहाड़ियाँ हैं। तो चलिए भी चलते हैं मंदिर। तो फ्रेंड्स, यहीं से चलना है, देखिए ये है, और यहाँ पर ये छोटा सा मंदिर है भोलेनाथ जी का, आप सब देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और यहाँ से चलते हैं ऊपर, चलते हैं दर्शन करने के लिए भोलेनाथ जी के।
तो फ्रेंड्स यही है भोलेनाथ जी का मंदिर, आप सब देख सकते हैं। इसी का नाम है झरनेश्वर मंदिर। फ्रेंड्स यही है वो मंदिर, झरनेश्वर मंदिर, शंकर भगवान का मंदिर है। छोटा सा मंदिर है और यहाँ पर ये हनुमान जी हैं, ये है राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। मंदिर से आप बाहर का व्यूज देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। तो फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं यहाँ का व्यूज बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में, और ये अरावली की पहाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रही हैं। और ये है मंदिर, ये मंदिर श्री झरनेश्वर महादेव मंदिर, अभी मैंने आपको अंदर से दिखाया था, बाहर से बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम नीचे जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, और 200 सीढ़ियाँ हैं, मैंने आपको गलत बताया था, 500 सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ पर ये शंकर भगवान जी की फ़ोटो लगी हुई है, और एक नीचे भी मंदिर है, बाहर से सीन बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो चलते हैं नीचे। यहाँ पर ये भोलेनाथ जी का मंदिर है छोटा सा, आप सब देख सकते हैं। तो यहाँ से तो बहुत ही प्यारा लग रहा है व्यूज। यहाँ पर बजरंग बली को दर्शाया गया है, पत्थरों के बीच में वाइट कर दिया गया है, आप सब देख सकते हैं, आपको फील हो रहा होगा बजरंग बली। और ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, मंदिर के नीचे आ गए हैं, मंदिर के नीचे का सीन है। और ये भी एक छोटा सा मंदिर है, और ये भी एक मंदिर है, ये भी एक मंदिर है, ये मंदिर शायद बंद पड़ा है पता नहीं क्यों। तो फ्रेंड्स यहीं से जो है दर्शन करके आ रहे हैं मंदिर के, ये है सीढ़ियाँ, और आप यहाँ का व्यूज़ देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। पहाड़ियों के बीच में मकान कितना शानदार लग रहा है, और बहुत शांति है यहाँ पर, बहुत अच्छा है। यहाँ से दिख रहा है मंदिर, वो हो रहा है झरनेश्वर मंदिर पहाड़ियों के बीच में। तो फ्रेंड्स आप सबको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर भूले भटके मेरे चैनल पर आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर लिया कीजिए, ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।